हर हर महादेव। नमस्कार। कलयुग प्रथम चरण में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। सभी का इच्छा होता है कि हमारे हाथों धन तेजी से आए और हमारा पर्स या जेब धन से हमेशा भरा रहे। तो दुनिया धन के ही पीछे दौड़ती है, लेकिन यह धन सबके हाथों अर्जित नहीं होता है। इसके लिए लोग बड़े बड़े उपाय भी करते हैं। जो अमीर लोग हैं वह गुरु रत्न पोखराज को अपने अंगुलियों में पहनते हैं कि धन को वह आकर्षित करता है, धन को बड़ी तेजी से अपने तरफ खींचता है। यह गुरु रत्न है जिसका नाम है पोखराज। तो सभी के बस का बात नहीं है कि आदमी बनवा कर पहने, लेकिन आज हम एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं जो कि गुरु रत्न पोखराज से कम नहीं, ना के बराबर खर्च और प्रभाव पोखराज के समान। जो व्यक्ति अपने जेब या पर्स में रखते हैं उनके जेब पर्स धन से भरा रहता है, धन दौड़ते हुए उनके पास पहुंचता है। तो इस उपाय को अच्छी तरह से समझें। तो साथियों, इस उपाय को गुरुवार के दिन आपको स्नान करके सुबह के समय इस जड़ को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप उस पौधे को आप देखें। तो मित्रों, यह केला है, केले का पौधा देख लें। केला हो तो देसी, जिसकी सब्जियां बनती है, उस केले का जड़ आपको खोद कर गुरुवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद ही लाना है। तो मित्रों देखिए, यही केले का जड़ है, ऐसे खोद करके आपको लाना है और लाकर अपने पूजा स्थल में इसको रखें और रख कर घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, और जलाने के बाद मित्रों इस जड़ पर थोड़ा सा कुकुम, वही जो तिलक करने वाली लाल कुकुम और हल्दी का तिलक लगा दें थोड़ा थोड़ा जड़ पर। अब बैठकर 2 मिनट तक आप घी का दीपक जला दें, सुगंधित धूप बत्ती जला दें। अब इसी तरह से मित्रों इस जड़ को वहीं पड़ा रहें, क्योंकि यह 2 दिन 3 दिन सूख जाएगा तो इसकी क्या होती है, जो अंदर जो पानी है मित्रों सूख जाता है, तो जड़ सड़ता नहीं। अगर ऐसे अगर आप रख लेते हैं तो यह हफ्ते के भीतर सड़ जाता है। यह सिद्ध भी हो जाएगा और जड़ सूख भी जाएगा। तो आप कम से कम 3 दिन तक अपने पूजा स्थल में पड़ा रहने दें और धूप बत्ती करते रहें। अगर हो सके तो आप गुरुवार से गुरुवार तक इसका पूजन कर देते हैं तो यह शक्तिशाली बन जाएगा। क्या करना है अब सुनिए। अब इसको आप पहले से ही छोटा छोटा पीस कर लें। अब इसको अपने जेब में रखें या पर्स में रखें। अब यह शक्तिशाली, क्योंकि 8 दिन आपने इसका पूजा किया है, सिद्ध किया है। अब यह गुरु रत्न पोखराय से भी तेज निकलेगा। तो यह जेब या पर्स में रखें।
अब देखें आपका पर्स और जेब कभी खाली नहीं रहेगा, धन आपके हाथों दौड़ते हुए आएंगे। यह एक छोटा सा उपाय मित्रों, सहज, इसमें कोई मंत्र नहीं है। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।